सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल इन हिमांशु व्लॉग्स। तो भाई पहले तो ये बता दो, लग कैसे रहा हूँ सुबह सुबह? भाई ऐसे मत बोलना, मैं नहा लिया है मैंने, और सुबह के बज रहे हैं अभी 6। और आज मेरा जो ट्रिप लग रहा है वो लग रहा है हिमाचल धर्मशाला का। और मेरी देखो मम्मी कैसे लेटी हुई है भाई। हाय मम्मी गाइस, मम्मी ने मेरे को सुबह सुबह चाय वाय पिला के एकदम रेडी कर दिया और खुद लेट 5 बजे से उठी हूँ गाइस। इसको चाय दे दी, नमक पारे दे दे खाने के लिए, आप सो गए। है। नमक पार दे दी, चाय दे दी, बढ़िया कड़क अदरक वाली। तो बेसिकली गाइस, इस ट्रिप में बहुत मज़े आने वाला है क्योंकि मेरी ये ऑफिशियल ट्रिप है धर्मशाला के लिए। वहाँ पे मेरे को कुछ काम है अर्जेंट, वो निपटा के आना है। तो मेरी ये ट्रिप रहने वाली है 2 दिन की, और इस व्लॉग में रहना मेरे साथ, आपको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले क्योंकि आई एम विजिटिंग धर्मशाला फॉर द फर्स्ट टाइम। हिमाचल में एक से पहले गया हूँ, बट वो गया था मैं अपना जो मम्मी कहाँ गया था मैं टूर में। अरे मैं वहाँ गया था यार, कसौल, जो हनुमान जी का मंदिर है ना, व्हेन आई कसौली वाज इन स्कूल तब गया था मैं। बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन तब अराउंड तो होगा आठ मैं नौ साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट उसके क्लास बाद था, जा तो रहा हूँ, आठवीं में नहीं था। 11th में था उस टाइम पे मैं। अच्छा, तो अब जा रहा हूँ मैं धर्मशाला, बहुत टाइम बाद मौका मिला है। तो आप लोगों के साथ भी मज़े आने वाला है इस ट्रिप में, बहुत ही धांसू ट्रिप रहने वाली है ये। आपको सारे नज़ारे दिखाए जाएंगे, अगर होपफुली अगर हो सके तो धर्मशाला कुछ स्पेशल स्पेशल चीज़ें भी दिखाएंगे, ठीक है? तो बने रहना मेरे साथ, मिलते हैं फिर रास्ते में, ठीक है? बाय। क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने सोनीपत, सोनीपत क्रॉस कर लिया है। अभी टोल के आगे खड़े हैं, थोड़ा नैप ले लेते भाई। ठंड भाई हल्की हल्की है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है। अभी दिल्ली वाली ठंडा है, इतनी मतलब है नहीं। अभी तो खैर सोनीपत ही क्रॉस किया था, मतलब ये हाईवे वाला ही सीन है। तो बाकी धुंध आप देख रहे हो, कोहरा ही कोहरा भाई हर जगह। बाकी अब थोड़ा धीरे धीरे आगे जाएंगे तो ठंड भी बढ़ने लगी, धुआं तो निकल रहा है। तो मिलते हैं आपसे फिर, बढ़िया पहाड़ों में मिलेंगे आपसे, है ना? क्योंकि रास्ते में वैसे भी कुछ मेरे को लग नहीं रहा कुछ दिखाने के लिए। अगर कुछ दिखाने के लिए मिलेगा तो मैं आपको कर दिखाऊंगा, पर इस जर्नी में जितने ज़्यादा मज़े मेरे को आने वाले ना, उतने ज़्यादा मज़े आप लोगों को आने वाले। जस्ट बिकॉज ये जो रूट है ना यार, हिमाचल धर्मशाला का जो देवभूमि है, उत्तराखंड भी देवभूमि है, हिमाचल भी देवभूमि है, तो इसमें अलग ही एक क्रेज़ है। तो अभी बस गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं फिर निकलते हैं। ये डल रही है हमारी टैक्सी में CNG, और इस टाइम हम पहुँच चुके हैं GT करनाल, मतलब करनाल जो बोलते हैं इस एरिया को, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो भाई इस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कोहरा है भाई, ये हाईवे है और ये डल रही है CNG। ठंड मतलब ठंड भी मॉडरेट है, मतलब वही दिल्ली वाला ही सीन है अभी तक यहाँ पे दिल्ली वाला सीन है। जब हम अगर लग रहा है कि पंजाब साइड लग जाएगा या हम लुधियाना क्रॉस कर लेंगे तो उस टाइम पे लग सकता है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है, बट अभी नॉर्मल है। और बढ़िया मज़े आ रहे हैं रास्ते में, ठीक है, इन्जॉय कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छे ड्राइवर हैं जो गाड़ी वाले हैं, बढ़िया तरीके से भजन सुनते हुए जा रहे हैं। और जब डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे वो वाला व्यू तो खैर आप लोगों के लिए बहुत औसम होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं धर्मशाला, और धर्मशाला आपको पता है कि भाई एकदम टॉप में है और सुकून है वहाँ पे, ठीक है। तो जिस जगह जा रहा हूँ वो भी जगह दिखाऊंगा आपको, बहुत ही पीसफुल जगह है। बाकी अब मिलेंगे आप। हिमाचल पहुंच चुके हैं गाइस, हिमाचल। ये टोल वाले भैया बैठे हुए हैं, टोल काट रहे हैं। उसके बाद हमारा 136 किलोमीटर वाला मार्ग शेष है, सीधा आपको धर्मशाला में मिलेंगे। तो यार अभी थोड़ी सी आग लग गई थी मेरी, बना नहीं पाया वीडियो, और बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना है, और कान हो चुके सुन, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो आप लोगों को सीधे डेस्टिनेशन में मिलेंगे। अभी यार मेरे को लगा कि यार हिमाचल में हम एंटर करते ही मेरे को पहाड़ वहाड़ दिखेंगे और मतलब अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा, बट यार यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ है ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही कह रहा हो भैया? तो अभी देखते हैं भाई, जब पहुँचेंगे क्या पता ऊपर जाम जिस लोकेशन में जा रहे हैं वहाँ पे अच्छे पहाड़ हो, मतलब अभी तक तो हमें ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है। तो बाकी मिलते हैं फिर, ऊपर ही मिलेंगे सीधा, भाई। इस टाइम पे ये हालत हो रखी है हिमाचल के रोड की, आपको पता होगा रिसेंटली बहुत ही खतरनाक वाला हादसा हुआ था हिमाचल में, और ये कंडीशन है भाई रोड की। बट फिर भी काफी कुछ हद तक इन्होंने ठीक कर दिया है, बट स्टिल यू कैन सी भाई ये देख रहे हो ये डैमेज है भाई, बहुत ही खतरनाक सीन है भाई। ओहो, ये क्या मिले हुए बैठे बैठे, ये देखो हमारे बजरंगबली। हाय कर दो सारे, हाय कर दो।
आई कर दो भाई, आई कर दो, ओए आई कर दो, ओए ओए। देखो भाई केले दे रहे लोग, ये भक्त यार रेस लगा रहे हमसे। सो भाई ये कंडीशन है इस टाइम पे रोड की, तो चलते हैं ऊपर धीरे धीरे, आराम आराम से जाएंगे क्योंकि इट्स नॉट सेफ। बाकी जब पहुंच जाएंगे ऊपर तो आप लोगों से मिलते हैं फिर। हाँ जी भाई लोग, अच्छा वो पीछे वाला, यहाँ से धूप आ रही है ना, यहाँ से का सॉलिड व्यू आ रहा है। तो भाई बेसिकली हम पहुँच चुके हैं 13 किलोमीटर कांगड़ा होगा, उसके बाद फिर धर्मशाला है। ठंड तो भाई है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ही है, मतलब जो दिल्ली के 3-4 बजे की ठंड होती है वही है। पहाड़ पे जा रहे हैं इस टाइम पे, और मतलब मैक्स प्रोबेबली वही है हमारे लिए अभी तो हाईएस्ट पीक, और तो अभी तक तो कुछ ऐसा पहाड़ आया नहीं है। बाकी ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के दिखाएंगे। अरे यार हिमाचल तो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि लाइक कि नॉर्मल ही है, मतलब इतना मुझे कुछ खास अभी दिखने के लिए मिला नहीं है, और अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो फिलहाल रोड की कंडीशन देखो, इस रोड की कंडीशन ना बहुत ही ख़राब हो रही है इस टाइम पे, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा हल्का हल्का चलना पड़ रहा है। अब पहाड़ है वैसे भी लाइट ही चलते हैं, बट इसके वजह से थोड़ा और धीरे 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 स्पीड हो गई है। तो हम पहुंचेंगे अराउंड 5:30 बजे तक, ऊपर पहुंच जाएंगे हम बड़े भाई। ऐसे करके ये छेदें करी हुई हैं, सुरंगें बनाई हुई हैं, तो पहाड़ तो गिरेंगे ही ना यार, तुम पहाड़ से खिलवाड़ करोगे तो पहाड़ तो गिरेंगे गिरेंगे, सही कह रहे हो ना। इतनी मोटी सुरंग बना रखी है पीछे, अभी आधा टाइम दिखाऊंगा मैं, कुछ दिखी नहीं है वो। ये देखो ये क्या बनाया हुआ ऊपर, समझ में नहीं आ रहा भाई, इतनी छोटी। तो इंसान भी एक ऐसा ऐसा प्राणी हो चुका है, कुछ भी बनाया जा रहा है, कुछ भी बना रहा है भाई। मतलब अपनी सुविधा के लिए इंसान कुछ भी बना देगा भाई, मतलब यहाँ पे आया थोड़ा बढ़िया सा सीन, हरियाली कम दिख रही है इस टाइम पे भाई। आप दिखा है मेरे को एक सुंदर व्यू हिमाचल में, सामने का पहाड़, यहाँ लग रहा है कि भाई अब पहाड़ों में आप चल रहे हो, उससे पहले कुछ नहीं पता चल रहा था, बट इसको जब मैं सामने से देख रहा हूँ ना, हमारे सामने से हट ही नहीं रहेगी। ये रात को डिप्पर का प्रयोग करें, जाने नहीं दे रहा आगे। सो भाई वीडियो बन रही है अंधेरे में, क्योंकि टाइम हो चुका है रात के 7:30 बज चुके हैं इस टाइम पे, और मैं अभी इस टाइम पे हूँ भाई। थोड़ा सा क्वालिटी में खेद है, माफी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि इतना सुंदर विलेज है ना, मैं क्या बताऊँ। ये बेसिकली धर्मशाला की एंड लोकेशन में आता है, विलेज नेम कॉल्ड गैमरू विलेज है ना, हाँ गैमरू विलेज। और कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं इस टाइम पे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और भाई ये ऐसी चढ़ाई पर है, मतलब ऐसे है, और पीछे देख रहे हो मेरे पीछे ये भाई लोग खड़े हैं, और काफ़ी मज़ा आया है, और एक्सपीरियंस तो आपको पता ही है, सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं, और ये वाला एक्सपीरियंस तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। इस लोकेशन में आना और ये काम करना भाई, एक अलग ही आपको पीस देगा। अरे वो क्या है? क्या? अरे चांद नहीं, मंदिर है यार वो, ये देख ओ, माता रानी का मंदिर था। अच्छा उधर माता रानी, चांद तो ही है भाई, देखो चांद तो ही है भाई। तो बेसिकली अब चलते हैं लाइट वाली जगह में, उसके बाद आपसे बात करते हैं ना भाई, बहुत मजा। सो भाई टोपी एकदम निकल चुकी है क्योंकि हवाएं चल रही है खतरनाक वाली, तो ठंड तो लगी रही है, और अभी हम जा रहे हैं होटल में अपने, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बैग वैग रखेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, नैप वैप लेंगे, फ्रेश वेश होंगे, उसके बाद फिर मार्केट में आएंगे घूमने के लिए। भाई आप लोगों को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा पाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जर्नी थी वहाँ पे, और मैंने आपको बताया था क्योंकि इतने सारा कुछ था नहीं स्पेशल दिखाने के लिए। बाकी कल सुबह मॉर्निंग में आपको एक अच्छी जगह लेके जाऊंगा, जब हम इन रूट टू दिल्ली होंगे वहाँ पे आपको एक बढ़िया जगह दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपने होटल में जा रहा हूँ, चेंज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। सुनसान सड़क, सिर्फ हम लोग चल रहे हैं रोड पे और कोई नहीं है, और जो मजे आ रहे हैं मैं क्या बताऊं। अभी हमको थोड़ी देर पहले एक तेंदुआ दिखा था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। और अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा एक आगे भी दिखेगा, तो आगे कुछ भी दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ। एक गाड़ी दिखी हमको इतनी देर से हमारे सामने आते हुए, बाकी देख लो ना बंदा ना बंदे के साथ, सिर्फ हिमांशु रनावत। फाइनली भाई इस टाइम पे अब होने लग गया ठंड, क्योंकि दिख गया होगा आपको भाई यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 2-3 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पे। अब आई डोंट नो कि रात को स्नो तो खैर नहीं होगी, बट
बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो बेसिकली हमने रूम लिया है भाई, ये पड़ गया हमको कांगड़ा में, कांगड़ा में हमने रूम लिया है क्योंकि ऊपर जो बहुत था रूम में बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, तो रूम्स अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे हमको मिला कांगड़ा में, कांगड़ा के नियर बाई मार्केट में है, ठीक है। क्योंकि ये इन रूट तो दिल्ली है, तो दिल्ली के लिए भी हमको पास पड़ेगा और आज स्टे करेंगे रात को, सुबह दिल्ली निकलना है हमको। जो मैं काम करने के लिए आया था गाइस, हमने वो काम कर लिया है, अच्छे से हो गया है। द थिंग इज़ मैं आपको दिखा देता फिर, एक्चुअली क्या होता है ना यार, ऑफिशियल चीज़ को ऑफिशियली रहने देते हैं और पर्सनल को पर्सनल रहने देते हैं। ब्लॉग मेरे पर्सनल, मैं अपने पर्सनल के लिए बना रहा हूँ, ऑफिशियल मैं काम नहीं दिखा सकता ऑफिशियल, तो इस वजह से लिव इट। बाद बाकी आपको अभी अंधेरा हो गया था जाते जाते और रास्ते में तो हमें ऐसा कुछ नज़ारे मिले नहीं। एंड करते हैं आज का पार्ट टू, सुबह दिखाऊंगा, ठीक है, देवी माँ के दर्शन करते हुए। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ऐसे मेरे ब्लॉग्स को देखते रहना, हमेशा प्यार देते रहना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग ट्रैवल ब्लॉग्स से। बाय।